सोलह दोस्तों फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पॉकेट व्यू में। जैसा कि हमने इस टॉपिक पर पहले भी एक वीडियो बना लिया कि कैसे आप एक क्लिक करके अपने सारे फेसबुक के फ्रेंड्स को रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों कब हमको जरूरत पड़ता है उनको रिमूव करना, तो हो सकता है दोस्तों आप कई साल से फेसबुक चला रहे हो, 3 साल से 4 साल से 5 साल से, तो ऐसे में हो सकता है आपके फ्रेंड लिस्ट में काफ़ी लोग फालतू लोग आके ऐड हो जाते हैं और बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है उनकी वजह से। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक क्लिक में सारे फ्रेंड्स को अपने रिमूव करना, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक एक स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो बाद में आप कुछ लोगों की तरह, जैसे कि लोग कमेंट करते हैं मेरे पिछले वीडियो पे कि भाई मेरा नहीं हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आया, तो ऐसे में इसमें कुछ समझने ना समझने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ऐसा कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। तो फिर भी अगर आपको कोई जरूरत होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, जो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है वो है पॉकेट गुरु जी। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्राउज़र इंस्टॉल करना है जिसका नाम है क्यूवी ब्राउज़र। आपको सिंपली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे जाना है अपने फेसबुक पे। तो facebook.com सिंपली आप सर्च कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जा सकते हैं facebook.com। और यहाँ पे facebook.com पर आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है अपने आईडी और पासवर्ड से, जिसका भी आपको रिमूव करना है। तो चलिए मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको लॉगिन करने के बाद आपको यहां से ओके कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है। फेसबुक पे आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहां से एक और टैब ओपन करना है। टैब ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहां पे क्लिक करना है, यहां से टाइप करना है आपको chrome web store क्रोम वेब स्टोर सर्च करना है। सिंपली आपको सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा, तो क्रोम वेब स्टोर पर आपको चले जाना है और यहाँ से आपको सर्च करना है ULTIPLE मल्टीपल TOOLS टूल्स फॉर FACEBOOK मल्टीपल टूल्स फॉर फेसबुक, आपको लिख के टाइप करके सर्च कर देना है। और यहाँ से सर्च करने के बाद आपका जब भी ये सर्च कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपके सामने एक्सटेंशन में सबसे ऊपर एक एक्सटेंशन आ जाएगा जहाँ पे ये ऐसा कुछ साइन बना होगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा है मल्टीपल टूल्स फॉर फेसबुक ऑफर्ड बाय INMAI.com। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखा रहा है ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम कर लेना है, यहाँ से ओके कर देना है इसको। और यहाँ से करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा आपको रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो यानी कि हमारा ये ऐड हो चुका है अभी। तो अभी आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा, तो इसके पहले आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी आपके सामने कुछ ऐसा दिखाएगा, साइड में दिखा रहा है एक्सटेंशन डैशबोर्ड, इसको आपको कट पे क्लिक करेंगे अभी आप, तो ये हमारे सामने ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स रिमूवर, फ्रेंड्स रिमूवर पे अभी आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से सिंपली आपने जो आईडी को लॉगिन किया होगा उसके सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो देख सकते हैं अभी आप सारे फ्रेंड्स आ गए हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से अभी आप देख सकते होंगे यहाँ पे 10 दिखा रहा है ना, 10 रोज, यानी एक रोज में 10 आपके 10 फ्रेंड होंगे। तो ऐसे में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 हटा के 10 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 100 कर लेना है। 100 हमारे हो गए, तो अभी हमारे रोज में कितने लोग आ गए, 100 लोग आ गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो एरो का साइन लगा ऊपर नीचे साइड में देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट के नीचे है सिंपली, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है इस पर और आपके 100 फ्रेंड्स अभी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं अभी आप 100 फ्रेंड्स हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। तो अभी हमको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका ये हमारा पेज 2 खुल गया और फिर से रो में 100 पीपल हैं, तो 100 फ्रेंड्स हैं। फिर से आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करके इसको भी सिलेक्ट करना है, यानी कि हमारे 200 फ्रेंड्स ऐड हो गए हैं। तो ऐसे करके आप 1000 तक या जितना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे दोस्तों फेसबुक के लिमिट के अंदर ही करना है, नहीं तो आपका फेसबुक जो है वो रोक देगा कुछ दिन के लिए, आप फ्रेंड्स को ऐड या रिमूव नहीं कर पाओगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। चलिए मैं आपको इतना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको
और अभी चाहे तो अभी फिर से यहाँ पे 100 आप चूज कर सकते हैं। फिर से मैंने चूज कर लिया 100, यानी मैंने 300 अपना सिलेक्ट कर लिया। यानी देखिए यहाँ पे पेज 3 दिखा रहा है, यानी 300 हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक बटन बाय बाय का, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है बाय बाय पे। और यहाँ पे ये आर यू श्योर पूछेगा, तो इसको हाँ हमको करना है, यानी 300 फ्रेंड्स हमारे सिलेक्ट हैं। आर यू श्योर यू आर अबाउट टू रिमूव 300 फ्रेंड्स, तो हमको क्या करना है अनफ्रेंड पे क्लिक कर देना है। अनफ्रेंड पे क्लिक करने के बाद आपको बस थोड़ा टाइम का वेट करना है। और यहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेस होने लगा, ये सबको अभी रिमूव करने लगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने सारे फ्रेंड्स को रिमूव कर पाओगे। ऐसे आपको सिंपली छोड़ देना है जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ऐसा तो दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा, अगर आपके लिए वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम।